गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो अभी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो लेट्स सी अभी बाहर जो भी मिलता है वो खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हम लोग आफ्टरनून में हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि तब हम गर्भगृह में जा सकते हैं और जल अर्पित करना है हमें। तो वहाँ पे जाके आराम से दर्शन होगा आफ्टरनून में, तो इसलिए हम लोग लेट जा। ओके गाइस, हाय गाइस। सो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग रेडी हो रहे हैं। देखो यहाँ पे सब धोती वोती पहन रहे हैं। अंकल हेलो, कौन है चुप हो रहे? हाय, हेलो हेलो हेलो। सब लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। ये तैयार हो रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। और यस, यहाँ पे अभी ये सर तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ये दो प्रीति गर्ल्स रेडी हो रही है। हेलो गर्ल्स। सो अभी आंटी मेरा हेयर स्टाइल कर रही है। हम लोग रेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे से। प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग फाइनली दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जल अभिषेक के लिए। तो अंदर जाएंगे गर्भगृह में और फिर जल अभिषेक करेंगे। बाद हम लोग आफ्टरनून का अभी जो जा रहे हैं दर्शन के लिए, जल अभिषेक के लिए, उसके बाद वापस इवनिंग में जाएंगे संध्या आरती के लिए। तो आज पूरा टाइम हम लोग सिर्फ भोले बाबा के पास ही रहेंगे पूरा टाइम। तो हम देखो अभी सब लोग मस्त रेडी होके मस्त जा रहे सब लोग। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मैं अंदर थोड़े नहीं ले पाई, बिकॉज अलाउड नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है, मुझे ये भी दिया उन्होंने। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जय श्री माता।
महाकाल सभी को भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है और यहाँ वहाँ पे अंदर मुझे ये फूल मिले हैं, इन्होंने फूल की माला मिली है, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे और इवनिंग में हम लोग वापस आएंगे संध्या आरती के लिए, और संध्या आरती भी बहुत अच्छी होती है, सो इसलिए हम लोग वापस इवनिंग में आएंगे। बट अभी का दर्शन हमारा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हुआ है। जय श्री महाकाल। दर्शन कैसे हुआ सभी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। और मतलब बहुत टाइम तक हम लोग मंदिर में थे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अभी जा रहे हैं खाने खाने। अभी हम सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा होता है और प्रसाद भी खा लेंगे, तो यस अभी यहाँ पे आए हैं। अभी हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है, अभी थोड़ा नींबू पानी पीने का मन है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा। गुड इवनिंग गाइस, जय श्री महाकाल। अभी हम लोग जा रहे संध्या आरती के लिए क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा वहाँ पे, तो हम लोग आगे नहीं बैठ पाएंगे। तो यस अभी हम लोग जा रहे हैं संध्या आरती के लिए। बहुत अच्छा आरती हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, बट संध्या आरती बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। सो गाइस अभी हम लोग मतलब इवनिंग में आए थे संध्या आरती के लिए, उसके बाद वापस हम लोग बाहर गए, थोड़ा खाना खाया और फिर उसके बाद अभी टाइम हुआ है 10:15, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं शयन आरती के लिए जो 10:30 की होती है कुछ। तो अभी वापस जा रहे शयन आरती के लिए, तो वहाँ पे हमने ना पुणे से भगवान के लिए कुछ वस्त्र लाए थे तो वो चढ़ाएंगे और फिर शयन आरती भी देखेंगे। जय श्री महाकाल सभी को। आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब हम लोग एक बार नहीं हमने तीन तीन बार दर्शन किया, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से। पहले गर्भगृह हमें गए, उसके बाद थोड़ा पीछे से आरती किया, फिर आज शयन आरती संध्या आरती सब कुछ हुआ हमारा और हम सब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अभी कल सुबह निकलेंगे पुणे के लिए वापस। जय श्री महाकाल। जैन से पुणे अभी हम लोग निकले हैं, तो ऑन द वे हमें नासिक लगेगा, सो नासिक होते हुए हम लोग जाएंगे सप्तशृंगी। तो सप्तशृंगी गढ़ पे जाएंगे, वहाँ पे भी दर्शन लेंगे बिकॉज बहुत साल हो गए हम लोग देवी के दर्शन के लिए गए नहीं थे, तो ऑन द वे ही है। तो अभी हम लोग उज्जैन से सप्तशृंगी जाएंगे और फिर सप्तशृंगी का दर्शन लेके फिर पूरा निकलेंगे।
अभी हम लोग सप्तशृंगी टेम्पल पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल था, लाइक 8-9 आवर्स का ट्रैवल था, बट फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी यहाँ पे है ना न्यू, मतलब पहले लोग वॉकर के ही जाते थे ऊपर, बट अभी न्यू यहाँ पे रोपवे का ऑप्शन मिला है सभी को। सो रोपवे से बहुत लोग जाते हैं, तो हम भी यहाँ पे आए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम है, हमें पूना भी वापस जाना है। सो हम सब लोग रोपवे से जाएंगे। तो ये है रोपवे का बिल्डिंग, यहाँ पे है ये रोपवे का पार्किंग, और यहाँ से मैं आपको दिखा सकती हूँ। वहाँ ऊपर आप लोग देख सकते हो देवी का मंदिर। ये देखिए, ये है अभी जस्ट हम लोग देवी का दर्शन लेके यहाँ पे आ गए हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, भीड़ भी नहीं थी। रोपवे से हम लोग बहुत जल्दी पहुँचे और जल्दी नीचे आए। यस, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अभी हम लोग थोड़ा स्नैक, मतलब लाइक चाय कॉफ़ी थोड़ा पीने जा रहे हैं। अभी हम लोग मतलब यहाँ से समृद्धि मार्ग है, और यहाँ पे है पुणे संगम नेर, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं। थोड़ा हमने सोचा थोड़ा आज खाना थोड़ा कम खाएंगे, तो हमने सोचा थोड़ा मस्तानी पी ले, थोड़े आइसक्रीम खा ले। तो सब लोग क्या खा रहे हो? अच्छा है स्नैक्स? सर आपका उधर ऐसा क्यों है? थक गए सब लोग, ठीक है। हमारा जो ट्रैवलिंग था वो सफल तो हो गया, क्योंकि हमारे दोनों दर्शन बहुत अच्छे से हुए। लाइक महाकाल का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, सप्तशृंगी का दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। सो हम सब खुश हैं। अभी बस यहाँ से हमें पुणे कुछ 4 आवर्स का है, तो होप सो जल्दी पहुँच जाएंगे अलीगढ़।